सर मेरा ही क्वेश्चन था हाँ हाँ कि हम इंग्लिश आसानी से कहां से सीख सकते हैं देखिए सर जहाँ तक मेरा इतने दिन का पढ़ाने का अनुभव है तो मैंने ये महसूस किया कि इंग्लिश क्या कोई भी भाषा सिर्फ अभ्यास से सीखी जा सकती है अब अभ्यास से हम उस भाषा को कैसे सीखें तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या करें कुछ छोटी छोटी चीज़ों की एंट्री कर लें अपनी बुक में जैसे आपने क्या लिखा आपने चेयर लिख लिया ठीक है आपने मान लो कैप लिख लिया आपने मान लो की लिख लिया या आपने मान लो माइक लिख लिया या आपने मान लो ये कवर लिख लिया तो अब इनको क्या है लिख के आप जैसे आपने पहले लिखा था इसका कुर्सी बाजू में लिख लिया चेयर तो कुर्सी को काट दो कि अब मुझे चेयर ही बोलना है अब मुझे कवर ही बोलना है अब मुझे टी शर्ट ही बोलना है अब मुझे शर्ट ही बोलना है कमीज नहीं बोलना एक तो ये चीज़ हो गई दूसरी चीज़ क्या है फिर छोटे छोटे सेंटेंस बोलना चालू करो आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस जैसे कि वह जाता है वह आता है वह खेलता है वह तुम्हारी मदद करता है तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलने का प्रयास करें ठीक है जब छोटे छोटे सेंटेंस बोलते जाएंगे तो फिर और बड़े बड़े सेंटेंस अब समस्या ये है कि हमारे आसपास तो बोलने वाले लोग रहते नहीं हैं अब हम किससे बात करें तो अपने आप से बात करो जैसे मान लो टी लगी है तो बोलो वाह वाट अ ब्यूटीफुल टी वट मे बी द प्राइज ऑफ दिस टी वी आई थिंक मे बी द फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ नो नो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ इज़ मोर प्राइज़ आई थिंक द इट इट इज़ इट मे बी द फोर्टी फाइव थाउजेंड बट द क्वालिटी इज़ दैमसंग नो नो इट इज़ हायर दैन फोटी फाइव थाउजेंड सो आई थिंक वी आर टॉकिंग टू अवर सेल्फ हम खुद से बात कर रहे हैं mm -hmm. फिर उसके बाद जैसे कि अगर कोई आपको ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिएगा कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे हमें तो डर लगता है कि गलत बोलेंगे लोग क्या कहेंगे उसके लिए बेश्रम बनना पड़ेगा आपको बेशर्म है गाँव की भाषा में बेशरम कह दे बेशर्म मैं तो ऐसा ही हूँ किसी ने कहा भैया आप गलत बोल रहे हैं तू बता सही क्या है सीधी बात यह है भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और यह सही बात है इंग्लिश सीखना क्यों चाह रहे है क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ी सीख जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा आप को किसी भी अधिकारी से इसलिए डर नहीं लगता कि वो आपको खा जाएगा सिर्फ़ इसलिए लगता है कि ऐसा ना हो कि साहब कुछ बोलें हमें समझ में ना आए बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है आप दूसरे राज्यों में जॉब करने इसीलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको ये लगता है कि यार लैंग्वेज तो आती नहीं है अनाउंसमेंट इंग्लिश में हो रहा है पता चला कहीं भी होटल में सर्विस इंग्लिश में है किसी भी दफ्तर में ऑफिस में जाएंगे तो वो बोलेगा हु आर यू व्हाट एपन व्हाट यू वांट हे जेंटल मैन वाई आर यू वॉकिंग हीयर यू गो आउट इट्स नॉट अ कॉमन प्लेस आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहा है और अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो बोलेगा इट्स नॉट अ कॉमन प्लेस आप बोलोगे आई एम नॉट कॉमन मैन वो कहेगा सर ये आम जगह नहीं है तो आप बोलोगे हम भी तो आम आदमी नहीं हैं हम भी प्रधानमंत्री के छोटे भैया हैं फिर बोलेंगे वो सत्तर साल के सर आप कहाँ तो एक आई एम जोकिंग तो एक तो ये बात है कि थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा और सीखना तो सतत प्रक्रिया है ठीक है दूसरी बात यह है जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ सिखाई तो उसे कंपेरेटिव जरूर स्टडी कीजिए उसकी तुलनात्मक रूप से आदमी पता है कभी भी काम से थोड़ी थकता है आदमी काम की अधिकता से थकता है मान लीजिए आपने आज एक टेंस देखा कि प्रेजेंट सिंपल वह जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार वह जाता था के लिए क्या होगा वह जाएगा के लिए क्या होगा तीनों बनाओ बिल्कुल सामने लिखो फिर उसके बाद उसके नेगेटिव बना के देखो तो ये हो गया तुलनात्मक तुलनात्मक स्टडी जैसे कहते हैं हम लोग कंपेरेटिव स्टडी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हैं ढाई से तीन महीने की प्रैक्टिस में बहुत अच्छी ज़बरदस्त इंग्लिश सीखी जा सकती है और आपस में फिर ऐसे दोस्त बनाओ जो कन्वर्सेशन करें आपके साथ आपस में बातचीत करें एक दूसरे से ठीक है आसानी से सीखी जा सकती है और अगर और इसके और ज़्यादा देखना चाहते हो तो फिर आप न्यूज़ सुने इंग्लिश न्यूज़ सुनें इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ें इंग्लिश की किताबें पढ़ें इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी क्लास की हैं नर्सरी से लगा के जो क्लास की मिल जाए वो पढ़ें कुल मिला हम शब्दों के प्रति फ्रेंडली तो होते हैं अब देखो मैं अभी इंग्लिश सिखाता हूँ मैं एक शब्द पूछ रहा हूँ वर्ष क्या होता है आपको पता है नहीं पता आपको पता है नहीं पता मैंने बता दिया वर्ष मतलब होता है बहुप्रतिभाशाली ठीक अब मैं आपसे पूछता हूँ वर्ष क्या होता है सीख गए अब मान लो एक शब्द है पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है व्यक्तित्व पता है आपको पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व होता है चलो ठीक है अब मान लो मैंने कहा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है नहीं पता है स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक अब बताओ स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है सीख गए अब आदमी क्या रहता है आदमी कहता है नहीं मैं सीखता ही नहीं है मैं सीखता ही नहीं है ऐसे कैसे नहीं सीखते आप सीख तो गए बस ये है कि अब इसको दो तीन बार पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे जब हम टी सुनते हैं तो शब्द आते हैं कहीं आ रहा है एजेंडा कहीं आ रहा है रेफरेंडम ठीक है ना कहीं आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कहीं आ रहा है प्रोपोगेंडा आता है ना कहीं आ रहा है प्रोपोगेंडा ये सब उनका प्रोपोगेंडा है ये तो ये तो सरकार का एजेंडा है ठीक है ये इशूज से ध्यान भटकाने की ये साजिश है ठीक है कहीं वो अरविंद केजरीवाल कहते थे रेफरेंडम करा लीजिए ठीक है तो ये शब्द हम सीखते हैं सराउंडिंग में अच्छा दूसरी बात फेसबुक चैट में या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वहाँ भी आप इंग्लिश में करने का प्रयास कीजिए जैसे कि वो खुद करेक्ट कर लेता है स्पेलिंग खुद करेक्ट कर लेता है जैसे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके मन में आए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हिंदी में लिखेगा और उसमें ऑप्शन भी आने लगा ट्रांसलेशन का कि ट्रांसलेट तो उस पर ऑप्शन कर दो ट्रांसलेट हो जाएगा ठीक है तो या फिर अगर थोड़ा आ रहा है तो आई वांट टू टॉक टू यू धीरे धीरे आई वांट टू टॉक टू यू मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो धीरे धीरे ही आएगा लेकिन सीखने का अपना मजा है सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा ये है चीज़ तो आया तुमको समझ में कि सीख सकते हैं वास्तव तो में इंटरेस्ट के साथ अगर बार बार देखा जाए तो और मौका मिले तो अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहिए ठीक है थीके? तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है लेकिन अब पता चला कि कोई सीखने नहीं चाहता तो कैसे मतलब वही आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है पर ना नहीं चाहता हर आदमी स्वर्ग जाने हैं लेकिन मन दूसरी बात यह है कि लोग कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते और मेडिसिन इज बेटर बट इट केयर्स दी हेल्थ दवाई कैसी होती कड़वी होती पर इट केयर्स दी हेल्थ पर इससे हेल्थ भी अच्छी होती ये बात है